ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको सुना रही हूँ कार्तिक मास महात्म की कथा का 15वां अध्याय। बंधुओं कार्तिक मास में हर मनुष्य को प्रातः काल उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। गंगा जल और थोड़े से काले तिल डालकर फिर ही स्नान किया जाता है और स्नान करते समय हर हर गंगे इस प्रकार माँ गंगा का ध्यान करते हुए ही स्नान करें। यदि आप स्नान इस तरह करेंगे तो आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं जो मनुष्य भी कार्तिक मास में स्नान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आज कमल नेत्र को सुनते हैं, तुलसी स्तोत्र तुलसी चालीसा सुनते हैं, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सारी कहानियों को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, उन पर भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। उनके यहाँ कभी भी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सो बंधुओं कार्तिक मास में रोजाना स्नान करें, दान करें, जप करें, कार्तिक मास की कथाओं को श्रवण करें। बंधुओं एकाग्रचित होकर ही इन कथाओं का श्रवण करें। बंधुओं यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली ज्ञान वर्धक सभी कहानियों का ज्ञान प्राप्त हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर ना जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।